त्याग कर दो, ये इसका रहस्य है। परंतु सुबह से कह रही, मैंने एक चिट्ठी तुझको दी थी, वो तूने विशाखा को दी के नहीं, माने वृंदा जी ने कोई चिट्ठी दी सुबल को, सुबल को चिट्ठी देंगे श्री विशाखा को, और विशाखा उस चिट्ठी के अनुसार या उस पत्र को, उस पुर्जे को वे प्रदान करेंगे श्री राधिका को। इस तरह से ये घूम करके बात जो है वो गोपनीय रूप में संकेत संकेत में श्री राधिका के पास में पहुंचाई जाएगी। तो कह रही, सुमन मैंने जो पत्र तुझे दिया था वो विशाखा को तुमने दिया कि नहीं? सुमन कह रही, हाँ हाँ, उसको तुमने पहले दिया था। और मासी जी कह रही है, वृंदे यावत प्रसाद ते प्रसाद दे च राधाम संचारयामि, अब मैं श्री राधिका के पास में जा रही हूं और पुत्री राधिका को प्रसाद दे, पहले उसको प्रसाद दे माने उसके मान को दूर करूंगी, उसको प्रसन्न करूंगी, फिर प्रसाद दियो उसका श्रृंगार करके अभिसार अभिसार का स्वरूप प्रदान करके राधिका को जब तक मैं श्याम सुंदर के पास में भेजती हूं, तावत अधुना आवाभ्याम को रहा नुकुंज कुंजे विश्राम में पाऊं, तब तक तुम यहां हमारे सामने वाली कदम्ब कुंज जो है उसमें तुम विश्राम करो, तुम यहां रहो और हम जाते हैं। ऐसा कहकर के वृंदा और सुवन इन दोनों को कदम्ब कुंज में रुकने का आदेश प्रदान करके और मासी जी विराजमान हुई और उनके आदेश को प्राप्त करके वृंदा और सुवन ये दोनों के दोनों चले गए। इतने में ही पौर्णमासी जी वे थोड़ा सा आगे चलती हैं, माने जैसे श्री राधिका के पास में जा रही हैं, रंगमंच पर एक चक्कर लगाया, रंगमंच पर चक्कर लगाने के बाद में कथम ललते मायाती, बोले अरे ये तो सामने से ललता ही आ रही है। ऐसा कहते ही श्री ललता जी ने एंट्री, ललता जी ने प्रवेश किया, तो ललता जी आई, ललता जी प्रवेश करके रंगमंच पर कह रही हैं कि भगवती तब सकाशम गच्छन्ति अस्मि, बड़ा अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई, मैं तो आपके पास में आ रही थी। और मासी कह रही है, बेटी मैं आ रही थी तेरे पास में, तू मेरे पास में आ रही, बहुत अच्छा हुआ चल दोनों मिल गए। तो ललता जी कह रही है, भगवती मैं तो आपके पास में ही आ रही थी। और मासी जी कह रही है, किमर्थम क्यों आ रही थी? ललता जी कह रही है कि आर्य तेन धूमथेनो पुनः अपरं जयता प्रिय सखी लाघवत अमत्वा सुष्टु उत्कंठ है कि तेन धूते नो, वो श्याम सुंदर धूर्तता करने से नहीं मानते, उस धूर्त ने श्याम सुंदर के लिए कह रहे हैं तेन धूते नो, उस धूर्त ने पुनः अपरं जायता प्रिय सखी लाघव अमत्वा कि अपन जाए तो माने मेरी सखी का अपमान किया है, पुनः अपन जाए ता मम सखी, उस धूर्त ने मेरी प्रिय सखी का देखो फिर से अपमान किया, ये शिकायत कर रही है, देखो देखो उस श्याम सुंदर ने मेरी सखी का फिर से अपराध किया है, लाघवम अमुक पर मेरी सखी को देखो उसकी कैसी बुद्धि हो गई है कि लाघवम अमुक्त्वा श्याम सुंदर बार बार उसका अपमान करते हैं परंतु वो उस अपमान को अपना छोटापन न समझ करके सुष्टु उत्कंठित, वो कृष्ण से मिलने के लिए ही उत्कंठित होती है। मैंने हजार बार अपनी सखी को समझाया कि अरे सखी मान दृढ़ रख, तू अपने गौरव की रक्षा कर, देख श्याम सुंदर तेरा इतना अपमान कर रहे हैं, इसलिए मान धारण कर मान धारण कर। परंतु जब सखी को क्या हो गया है, राधिका को मेरी बात ही नहीं मानती है और श्री श्याम सुंदर से मिलने के लिए बार बार उत्कंठित हो रही है, क्या बात है। ये श्री ललता जी कह रही है, मैं तो मांग को बढ़ाती हूँ और वो मानती नहीं है, वो मांग को
त्याग करके श्याम सुंदर से मिलने के लिए उत्कंठित होती है। हर मेरी बड़ी समस्या है, सखी के सम्मान की कैसे रक्षा करूं, मैं तो ये चाहती हूं कि श्याम सुंदर मेरी सखी के चरणों में गिर गिर करके प्रणाम करें, बार बार प्रणाम करें, बार बार नाक घिसे, तब जाकर के मुझे संतोष होगा। उन्होंने जितना मेरी सखी का बार बार जैसे अपमान करते हैं, वे उसके साथ में जैसे छल करते हैं, वो उचित नहीं है। उनको कहीं जब तक नीचे सखी के चरणों में नहीं गिरा दूंगी तब तक संतोष नहीं होगा। तो तेन धूते पुनः पुनः अपरम जयता, मेरी सखी का उस धूत ने पुनः पुनः अपराध जयता माने पराजय की है। परंतु प्रिय सखी लाघव अमत्वा अपमानित होने पर भी अपने लाघव को नहीं मानती है, अपने छोटेपन को नहीं मानती है और सुष्टु उत्कंठयति, वो अत्यंत उत्कंठित ही श्याम सुंदर से मिलने के लिए हो रही है। तत्किम करिष्यामि, मैं क्या करूं क्या करूं। ऐसे जिसने कहा उस समय कौन मासी जी कह रही हैं, बोले अरे ये ललता ये सब फालतू की बातें बंद कर, बसे मुंच मुधा कालुष्यम, ये व्यर्थ जी की जो कालुष्यता तू बढ़ा रही है, ये कालुष्यता बढ़ाना उचित नहीं है। इन दोनों में जो तू मान बार बार जो आरोपित कर रही है, ये मान आरोपित करना उचित नहीं है। नापराध्यते माधव, अरे माधव का कोई दोष है नहीं, सारा दोष तत्वता जो है वो उस मधुमंडल का है। तो मधुमंडल को तो दोष देते हैं, माधव को दोष दे रही है, माधव का इसमें कोई दोष नहीं है, ये सारा मधुमंडल का दोष है कि मधुमंडल प्रमादित व खेदाय बभुव, मधुमंडल की जो प्रमादितता, मधुमंडल ने जो प्रमाद किया है, जो चूक की है, वो चूक ही हमारे लिए खेद का कारण बन रही है। ललता जी कह रही हैं कि मन ही मन में कि हाँ सही सही कह रहे हैं, मह्यम अपि एवं नांदी मुखिया कथितम, ये बात मुझसे पहले नांदी मुखी ने भी कही थी कि मधुमंगल ने कुछ गड़बड़ कर दी है, और अर्थात श्याम सुंदर ने राधिका को लाने के लिए अभिशाप करने के लिए कहा था, परंतु मधुमंगल ने पूरी बात सुनी नहीं। पिछले अंक में देखा है मधुमंगल ने पूरी बात सुनी नहीं और जबरदस्ती वृंदा को लेकर के और वो चंद्रावली जी का उसने अभिशाप करा दिया। तो ये सब गड़बड़ मधुमंगल की है। तो नांदी मुखी ने भी मुझसे ये बात कही थी, आर्य पश्य एषा राधा रसा रसी मूले कंप माना के जलवती, देखो देखो ये आगे ऐसा कहकर के पौर्णमासी जी कह रही है कि ये राधा आम के पेड़ के नीचे कांपती हुई कुछ बड़बड़ा रही है, कुछ कह रही है। श्री तत्प्रविशति सानुतापम राधा, उस समय श्री राधिका वो कहीं प्रवेश करती है, माने बीच में एक पर्दा उठता है और पीछे वाले दृश्य में उसी स्थान पर श्री राधिका जो है वो राधिका वहां पर दिख रही है। अनुकंपा के सहित श्री राधिका विराजमान है और कह रही है कि कर्णांतेन कृता प्रयोक्त रचना क्षिप्तम मया दूरतः मल्ली दाम निकाम पत्य वचसे सक्षयी ऋषक कल्पिता क्षोणी लग्न शखंड शेखर मसौ नाभ्यर्थयन ईक्षतः स्वांतम हंत ममाद्यतेन खदरांगारेण दंदयते। श्री किशोरी जो इस समय कलहांतरिता नायिका अवस्था में विराजमान है, कलहांतरिता वहां है जो पहले तो प्यारे का निरादर कर दे और फिर बाद में क्लेश करे कि हाय प्यारे ने दूध भेजा, प्यारे मेरी इतनी प्रार्थना कर रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो ये इसका वो जो नायिका है उस नायिका को कलहांतरिता कहते हैं। आज कलहांतरिता कलहांतरिता इसी भावना को प्राप्त करके श्री किशोरी जी कह रही हैं कि कर्णांतेन कृता प्रयोक्त रचना, प्यारे ने जो उक्त रचना, जो वचन
मेरे सामने कहे, हाय मैं उनको कान से सुन भी नहीं रही थी, प्यारे का निरादर करती थी, मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि प्यारे जब प्रार्थना कर रहे थे मैंने उनकी बात को सुना नहीं। अक्षुत्तल माया भूलता मल्ली दाम, प्यारे ने मुझे बड़ी सुंदर मल्ली की माला रचना करके मुझे समर्पित करना चाहा और मैंने क्षुत्तम माया दूर था, हमें नहीं चाहिए ऐसा कहकर के उस माला को दूर फेंक दिया। प्यारे ने तो मुझे भेंट दी माला की और मैंने उसको दूर फेंक दिया। और निकाम पत्थे बच से सक्षय ऋषक कल्पता, सखी भी मुझसे पथ्य वचन कह रही थी कि अरे इतना मान मत कर, इतना मान मत कर, परंतु सक्षय ऋषक कल्पता मैंने सखियों के प्रति भी क्रोध की भावना धारण कर ली, सखियों के प्रति भी क्रोध धारण किया। श्याम सुंदर छोड़ी लग्न शखंड शेखर मसल, अपने मस्तक को अपने मयूर मुकुट को बार बार मेरे चरणों में बिछा रही थी, मेरे चरणों की रज को अपने मस्तक की मयूर मुकुट से पोंछते हुए विराजमान हो रहे थे। परंतु छोड़ी छोड़कर पृथ्वी, पृथ्वी पर लग्न शिखंड शेखर, शिखंड माने मयूर मुकुट, मयूर मुकुट उन मयूर का शेखर माने मुकुट, शिखंड माने मयूर, शेखर माने मुकुट, वे अपने मयूर मुकुट को छोड़ी लग्न बार बार पृथ्वी के ऊपर लगा रहे थे। असौ वे श्याम सुंदर, परंतु नाभ्यर्थयन ईक्षितः, मैंने उन श्याम सुंदर की भी अभ्यर्थयन माने प्रार्थना करते हुए उनका आदर करते हुए, वे आदर करते हुए अभ्यर्थन माने भिक्षा करते हुए याचना करते हुए अपने मस्तक को पृथ्वी पर बार बार लगा रहे थे, परंतु हाय मेरी बुद्धि कैसी हो गई कि न ईक्षितः, प्यारे की ओर मैं देख भी नहीं रही थी। स्वांत महंत, हाय मैंने अपने आप ही अपने आप को आज जलाया है, मेरी दशा ऐसी हो रही है जैसे कोई खैर के अंगारे में अपने आप को डाल दे। खैर की जो आग है वो बड़ी तेज होती है, हम दूसरे अंगारों की अपेक्षा, ये बबूल वगैरह और जो अंगारे हैं आम बबूल, इनकी अपेक्षा खैर की जो आँच है वो ज्यादा तेज होती है। खैर का जो अंगारा है उसका उसमें ताप बहुत ज्यादा होता है और देर तक रुकता है, खदर का जो अंगारा है। तो स्वांतम हंत माया दे, हाय आज मैंने स्वांतम माने अपने हृदय को ही खदरान दारे में इस खैर के अंगारे में, खैर की लकड़ी के ईंधन के अंगारे में दम दिए थे, हाय मैंने अपने आप को जलाया है। कर्णांते कर्ता प्रयोक्त रचना, प्यारे जो प्री उक्ति कह रहे थे उन प्यारे की उक्तियों की रचना को कर्णांते कर्ता मैंने अपने कान के आसपास भी नहीं आया आने दिया, उनको सुनाई नहीं। अक्षुत्तल माया दूरता मल्लिता, प्यारे ने जो मुझे माला प्रदान की उस मल्ली की माला को भी मैंने दूर फेंक दिया, क्रोध दिखाते हुए मान दिखाते हुए अपने कुटिमित भाव, यहां पर कुटिमित भाव का विचार करके शिवप्रिया जी कलहांतरिता अवस्था में विराजमान है। कुटिमित भाव उसे कहते हैं कि प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का मिलन के समय निरादर कर देना, उस विभोग और कुटिमित, ये तीनों भाव है, विभोग भाव, कुटिमित भाव और कलहांतरिता, ये तीनों भावों को विराजमान है। विभोग उसे कहते हैं कि प्यारे के द्वारा दी गई जो भेंट उसका निरादर करना, उसका नाम है विभोग। कुटिमित उसे कहते हैं कि मिलन के समय झूठा रुदन, झूठे नेति नेति वचन कहके प्यारे की भुज पाश से अपने आप को छुड़ाना, उसका नाम है कुटिमित। और अभिता का तात्पर्य है अपने भाव को छिपाना, हृदय में जो भाव है उसको छिपाना। और मोटाई का तात्पर्य है कि प्यारे की चर्चा चल रही हो उसको छिप करके कान लगा करके सुनना और उसमें रुचि दिखाना, उसका नाम मोटाई। तो यहां पर तीन भाव जो है,
विभोग कुटमित और कलहांत रहता है, ये दोनों जो भाव और अमिथा, ये दोनों जो भाव हैं ये यहां पर प्रकट हो रहे हैं और वो इनको प्रकट कर रहे हैं। कर्णांते कृता प्रयुक्त रचना क्षत, एक बात हुई फिर क्षतम मया दूर तो मल्ली दान, मल्ली की माला मैंने दूर फेंक दी और निकाम पत्थर बच्चे से सक्षई ऋषक कल्पिता, सखी मुझसे हित के वचन कह रही थी उसके ऊपर भी क्रोध कर रही थी, और क्षोणी लग्न शिखंड शेखरम, श्री श्याम सुंदर ने मयूर मुकुट को पृथ्वी के ऊपर लगा रखा था परंतु नाभ्यर्थयन ईक्षतः, मैंने उसको आदर देते हुए प्यारे की ओर देखा नहीं, हाय मैंने अपने इस हृदय को जानबूझ करके इस विरह रूपी खैर की अंगीठी में झोंक दिया है और अब उसके कष्ट को भोग रही है। पौर्णमासी कह रही है पुत्री प्रच्छन्न उपस्थिति श्रोणा प्रेम विलासम, अब बोलना मत, अच्छा छिप जा, हम छिप करके राधिका क्या कह रही है उसके प्रेम विलास को सुनते हैं, ऐसा कहकर के दोनों छिप करके किसी वृक्ष के पीछे स्थिर हो जाती हैं। श्री राधिका चकल होकर के कहती हैं कि धन्यास्ता हरिणी दिशा सरमते याधिर नगी हो युवा, वे अब यहां पर कई भावों का सम्मिलन है, भाव संधि इसको कहेंगे, भाव संधि दो प्रकार की होती है, भाव संधि और भाव शावल्य। यहां पर भाव शावल्य है, शावल्य उसे कहते हैं जहां कई भाव आते हैं। अब ये जो भाव शावल्य है ये भाव शावल्य दो प्रकार से होता है, कहीं तिल तंदुल न्याय से और कहीं भाव शावल्य होता है नीर क्षीर न्याय से। यहां पर तिल तंदुल न्याय से जो भाव शावल्य है उस भाव शावल्य का वर्णन कर रहे हैं। भाव संधि माने दो भावों का मिलना, जहां पर कई भाव मिलते हैं उसका नाम होगा भाव शावल्य, केवल दो भावों का मिलना उसका नाम है भाव संधि, जहां कई भाव एक साथ मिले और भीड़ लग जाए भावों की उसका नाम है भाव शावल्य। भाव शावल्य भी दो प्रकार से होता है, जैसे पहला एक है तिल तंदुल, तिल तंदुल का मतलब है जैसे तिल में चावल में तिल मिल जाए तो दिखेंगे कि ये चावल है ये तिल है, परंतु भी ना कठिन है, एक एक तिल को निकालना है कठिन काम, इतने से तिल को बीनने में, तिल चावल को बीनने में बहुत समय लग जाएगा, एक मुट्ठी भर बीनने में आधा घंटा लग जाएगा, एक एक चावल को बीनना और तिल को बीनना। एक दूसरा प्रकार होता है वो दूध दही, दूध में पानी कितना है ये दिखेगा नहीं, दूध और पानी निरीक्षित, तो दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी कितना मात्रा है कहां है पानी ये बताया नहीं जा सकता है। तो यहां पर निरीक्षित विवेक की तरह से शंकर नहीं है बल्कि यहां सम्मिश्रण है, भाव का सम्मिश्रण है, भाव का शंकर नहीं है। संकर जहां होता है वहां पर दूध और पानी इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, परंतु सम्मिश्रण जहां होता है वहां पर देखा जा सकता है। तो तिल तंदुल न्याय इसको कहते हैं सम्मिश्रण, और निरीक्षीर न्याय इसको हम कहते हैं कहीं शंकर। सो यहां पर उसी सम्मिश्रण भाव को, भाव शावल्य को प्रस्तुत कर रही है। अब एक एक पंक्ति में अलग अलग भाव है, जैसे कहीं आदर का भाव, गौरव का जो भाव है उसको प्रकट करती हुई, संभ्रम जो भाव, उस संभ्रम भाव को प्रकट करती हुई श्री किशोर जी कह रही हैं कि धन्यास्ता हरिणी दिशा आहा, वे मृग नयना रण परम परम धन्य है, सरमते याभिर नवीनो युवा, जिन गोपियों के साथ में वो नवीन युवक रमा करता है वे गोपी परम परम धन्य है। ये किशोर जी का विरह में जो हृदय भाव है वो साक्षात प्रकट हो जाता है कि आश्विश्वा पागरताम पे नष्टोमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विद्धात लंपटा मत प्राण नाथस्तु सयव नापरा,
मिलन के समय तो मान होगा, परंतु भीतर ही भीतर यदि श्री श्याम सुंदर किसी अन्य नायिका की नुकुनी में पधार रहे हैं तो भीतर ही भीतर श्री किशोरी जो परम आनंदित होती कि आहा वे गोपी परम परम धन्य हैं जो मेरे प्यारे की किसी भी प्रकार से सेवा करती हैं और मैं उनकी कृतज्ञ होकर के विराजमान, और यदि मुझे मौका मिले तो मैं तो उस पुष्ट विप्र नारी की तरह से उनकी सेवा करने के लिए भी तैयार हूं कि किसी तरह से प्यारे की वे सेवा करती हुई विराजमान है। उन्होंने प्यारे का इतना उपकार, प्यारे को सुख प्रदान किया, प्यारे को की सेवा की, अतः मैं उनकी कृतज्ञ होकर के विराजमान हूं। और कह रही है कि यथा तथावा विदात नंबरता, अरे प्यारे तू किसी भी प्रकार सुख रहे, तू जैसे सुख रहे मैं तैयार हूं। यथा तथावा कहकर के कुष्ठ विप्र नारी की तरह से भी मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। मत पुराण नाथस्त सही हो तो आश्लिष्यवा पार्वतान कृष्णमान, प्यारे चाहे तू मुझे अपने हृदय से लगा, चाहे मेरा निरादर कर, जैसे तेरे राजी हो तत्सुख सुखित्व भाव में मैं रहने के लिए तैयार हूं। आहा वे नारीगण परम परम धन्य है जो कि तेरी किसी भी प्रकार से सेवा करती हैं, मैं तो उनकी दासी बन करके उनकी सेवा करने के लिए तैयार। कहां कितनी दीनता। इसमें श्री पुराण के एक चरित्र को श्री कविराज गोस्वामी जी ने निरूपण किया इस श्लोक की व्याख्या में, कि ब्राह्मण कहीं उनके शरीर में कोढ़ था, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो पत्नी अपने पति को कंधे के ऊपर बैठा करके नदी में स्नान करने के लिए ले जाती। अब जिस समय वो अपने पति की सेवा कर रही थी, स्नान करा रही थी, संयोग की बात, उसी समय एक परम सुंदरी नगर वधु वहां पर आ गई, वेश्या नगर वधु वहां पर आ गई और उसके सौंदर्य का दर्शन करके, भले वो ब्राह्मण कोढ़ी था, बीमार था, पर उसका चित्त चंचल हो गया। ब्राह्मणी ने जब पूछा अपने पति से, पर कुछ नहीं बोला। जब बार बार पूछा तो एक दिन उगल बैठा कि मैंने उस सुंदरी का दर्शन किया और उससे मिलने के लिए मैं व्याकुल हूं। अब देखिए तत्सुख सुखित्व कितना है। वो ब्राह्मणी कह रही है कि आर्यपुत्र मैं अवश्य तुम्हारी सेवा करूंगी और तुम्हारी इस इच्छा को भी पूरा करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस वासना को लेकर के कहीं तुम्हारा ये प्रारब्ध पूरा हो जाए और तुमको अगला जन्म लेना पड़े, ऐसा नहीं हो, तुम्हारी ये वासना भी यहीं पूरी हो जानी चाहिए। ये विचार करके वो स्वयं उस नगर वधू के, बाल वधू के पास में गई और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति के साथ में तुम, मेरे पति तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं, मिलन प्राप्त करना चाहते हैं, क्या इसके लिए तुम अनुमति प्रदान करोगे? और उनके शरीर में कुष्ठ भी है। बोला इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो धन के लिए मिलन प्राप्त करती हूं, यदि मुझे उचित मेरा जो आश्रमिक है वो मिल जाए तो मैं तैयार हूं। पारिश्रमिक कितना है? उसने तो बड़ा लंबा चौड़ा पारिश्रमिक बता दिया। बिल्कुल कोई बात नहीं, इतना पैसा तो हमारे पास में है नहीं, हम एक काम कर सकते हैं कि मैं आपके यहां पर दासी बन जाऊं और आपकी सेवा करूं और मेरी जो तनख्वाह है उसको आप अपने पास में ही हिसाब किताब लगते रहे, जमा करते रहे। और वो पतिव्रता उस वार वधु की, उस नगर वधु की सेवा करते हुए विराजमान हुई। जब उसका उतना पारिश्रमिक जमा हो गया तब उसने कहा कि तुम्हारा पारिश्रमिक जमा हो गया, आज तो मुक्त हुई, तुम्हें मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने उस व्यक्ति को, पति को लेकर के यहां आ सकती हो, परंतु एक बात है कि दिन में नहीं आओगी, रात्रि के समय जब भीड़ भाड़ बिल्कुल न हो, एकांत में, उस समय, क्योंकि मेरे धंधे के ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए उस समय तुम लेकर के आना।
और वो पतिव्रता देखिए ये त्याग की पराकाष्ठा है, इसमें अनुचित्य अनुचित नहीं देखना चाहिए। केवल ये जो दृष्टांत है वो एकांश में दृष्टांत है और ये दृष्टांत ये दिखा रहा है कि तत्सुख सुखित्व क्या होता है, इसको दिखाने के लिए पराकाष्ठा दिखाई जा रही है कि अपने पति के सुख में वो पतिव्रता इतनी ज्यादा स्थित है कि वो पति को कंधे के ऊपर बैठा करके वो ले गई। और वहां पर कोई ऋषि तप कर रहे थे, शायद कौटिल्य ऋषि, तो कोई ऋषि तप कर रहे थे या मृकंड ऋषि कुछ ऐसे नाम है उनका, तो वो ऋषि तप कर रहे थे, उनके चरण की ठोकर लग गई, उसके पति की, कंधे के ऊपर जो पति बैठा हुआ था उसकी ठोकर उसके लग गई और क्रोधित होकर के ऋषि ने कहा कौन है जिसने मेरे लात मारी, उसकी प्रातः काल सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाए। और वो पतिव्रता बोली बोले ठीक है सूर्योदय नहीं होगा, और सूर्योदय स्थगित हो गया, सारी दुनिया इधर से उधर हो गई, क्या सूर्योदय क्यों नहीं हुआ, सूर्योदय क्यों नहीं हुआ, सारे देवता एकत्रित हुए, एकत्रित हो रहे हैं। और उस समय श्री हरि से प्रार्थना की, उस समय श्री भगवान ने कहा कि नहीं सूर्य भगवान, आपसे भगवान स्वयं आए, त्रिदेव आए और त्रिदेव आकर के उस ब्राह्मणी से कह रहे हैं कि आप सूर्य को अब अवरुद्ध मत करो, सूर्य को आप मुक्त कर दो, ताकि नहीं तो पूरी सृष्टि पुलट पुलट हो जाएगी। और जैसे ही उस ब्राह्मणी ने फिर लोक हित को देख करके जो सूर्य भगवान से कहा अच्छी बात है, मैंने जो मर्यादा स्थापित की वो मर्यादा मैं वापस लेती हूं, सूर्य भगवान आप उदय होइए, और जैसे सूर्य उदय हुए वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। परंतु उसके पातिव्रत्य के कारण और उसकी सद्भावना के कारण पति की बुद्धि भी पलट गई और उस वेश्या की बुद्धि भी पलट गई और सबकी बुद्धि पलट गई, और पति जो है उनका जो विषयाभिनिवेश था वह समाप्त हो गया और पति भी भगवत धाम को पधार गए। तो एक की सद्भावना दूसरे की जो दुर्भावना है उनको भी नष्ट करने वाली है। तो ये जो दृष्टांत है ये औचित्य अनौचित्य की दृष्टि से दृष्टांत नहीं है, ये दृष्टांत केवल ये दिखाने के लिए है कि तत्सुख सुखी भाव कैसा होता है। और श्री प्रिया जी यही कह रही है कि आश्लिष्यवा पादरतां विनष्टमान अदर्शनान मन महतां करोत्वा, प्यारे तू दर्शन नहीं देना चाहता है तो मुझे मन महत कर दे, मैं तैयार हूं उसके लिए, यथा तथावा जैसे तू राके। अब यथा तथा की दृष्टांत के रूप में ही ये कहानी कह दी कि मैं उस कुष्ठ विप्र पत्नी के समान वेश्या की भी सेवा करने के लिए जैसे वो तैयार हो गई, ऐसे कोई से कोई छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी मैं तैयार हूं। यथा तथा वा विधातु लंपटा मत प्राणनाथस्तु, परंतु वो रसिक मेरा प्राणनाथ है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो सर्व कष्ट प्राप्त करके भी श्री प्रिया जी विराजमान और हृदय में ऊपर से तो चंद्रावली जी से बैर, पर भीतर से श्री चंद्रावली जी के प्रति अत्यंत स्नेह की भावना और अत्यंत कृतज्ञता की भावना है। और यहाँ पर विरह में वो जो कृतज्ञता की भावना है वो सामने प्रकट हो जाती है कि धन्यास्ता हरणी दिशा, वे मृगनयनी परम परम धन्य है सरमते या भी जिनके साथ में श्री श्याम सुंदर विहार करते हुए विराजमान है। नवीनो युवा नवीन युवा ऐसा कहकर के हृदय में चपलता पूर्वक ये वचन, यहां पर चापल्य नामक जो संचारी भाव है वो प्रकट हुआ। अब अगली पंक्ति में शंका नाम करके जो संचारी भाव है वो प्रकट हो रहा है कि स्वयं चापल माकलये ललता माम हंत निर्दिश्यति, उल्हाय कहीं मैं श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई और ललिता ने देखा मेरे स्वयं आचरण को, स्वेच्छापूर्ण आचरण को, तो हाय ललिता मुझे डांटेगी, हाय हाय श्री धन्य धन्य श्री ललिता जी, ये कितनी किशोरी में कैसी डरती है ललिता जी से, ललिता जैसी चलाएगी वैसे चलूंगी, हाय कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं मेरी स्वेच्छापूर्वक चापलन चपलता देख करके ललिता माम हंत
निंदिष्यति, ललता कहीं मेरी निंदा न करने लग जाए, इतने में ही औत्सुक्य का भाव आ गया। देखिए भाव साकल्य जो है वो यहां पर प्रकट हो रहा है, भाव संधि नहीं है, भाव साकल्य है, कई भाव इकट्ठे हो रहे हैं, परंतु तिरतंदुल न्याय से है, दूध दही के न्याय से नहीं है, तिरतंदुल न्याय से है। गोविंदम परम बिंदु वदनम, हा चित्तम समुत्कंठते, उत्सुकता धारण करके कह रही है कि हा गोविंद का परमहन करने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। और इतने में ही सामर्षम क्रोध करती हुई कह रही है कि देख बामन विधमस्त तेन गरलम मानाभिदम निर्मले निर्ममे, अरे विधि अरे विधाता तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये विधाता के ऊपर क्रोध करती हुई, ब्रह्मा के ऊपर क्रोध करती हुई कह रही कि अरे ब्रह्मा तुझे धिक्कार है, अरे विधाता तुझे धिक्कार है, देख बामन विधि तू बड़ा बाम है, येन गरलम मानाभिदम निर्ममे, कि तूने मान नामक इस गरल माने विष को तूने उत्पन्न कर दिया, हा यदि ये विष नहीं होता तो अभी श्री श्याम सुंदर के साथ में मिल जाती। इस प्रकार उत्सुकता, कभी चपलता, कभी क्रोध, कभी दीनता, इन भावों को धारण करके सारे भाव उनका साकल्य धारण करके श्री प्रिया एकदम विभल हो रही है। और श्री पौर्णमासी जी छिप करके श्री राधिका की उस उत्कंठा का दर्शन कर रही हैं, और दर्शन करके फिर आगे अब श्री राधिका के पास में आकर के राधिका को धैर्य देती हुई विराजमान हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद गौर हरि गो। वर्षा को समय देंगे।